कोई भी समाज बिना ज्ञान के तैयार नहीं हो सकता है, बिना शिक्षा के तैयार नहीं हो सकता है। शिक्षा को पढ़ना पड़ता है, पढ़ाना पड़ता है, उसको आत्मसात करना पड़ता है, तभी जाके हम बढ़ेंगे और आगे उसमें से एक नई कल्पना कर पाएंगे, एक बड़ा सपना देख पाएंगे। रिपब्लिक टीवी ने ये दो तीन विषय पे राष्ट्र सर्वपरि सम्मेलन में पढ़ो और पढ़ाओ एक मुहावरा लगाया, लेकिन मूलतः यही अपेक्षा रही होगी कि 21वीं सदी में विशेष करके आने वाले अमूर्त काल में भारत की ज्ञान गंगा के प्रवाह कैसे होगा। मित्रों, इसमें कोई दो मत नहीं है, भारत की जो विरासत रही है, भारत की जो प्राचीन वैज्ञानिक प्रमाण आधारित समाज जीवन की प्रवास रही है, उसी की आधार पर जब हम विश्व को दिखते हैं, आज की हमारी सामने रही हुई चुनौती को दिखते हैं, हमको शिक्षा की ओर दिखने के लिए और आवश्यक हो जाती है, हमारी नॉलेज रिपोजिटरी को और एक बार खंगालने के लिए और हमको मजबूर होना पड़ता है। इसीलिए 3 दशक के उपरांत 2020 में भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया गया, लगभग 2 साल पूरे हुए हैं। आज देश में आबादी का, अगर देश की आबादी 130 करोड़ है, आज भारत में स्कूल शिक्षा में 25 करोड़ बच्चे हैं। हायर एजुकेशन और स्किल वर्टिकल दोनों को अगर हम मिलाते हैं तो लगभग उसमें से और 5 करोड़ बच्चे हैं। 130 में से विद्यार्थी अवस्था में 30 करोड़ बच्चे हैं, ये तो आज इंस्टीट्यूशन में आ रहे हैं। उसके अलावा अगर हम आयु, आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रवेश की आयु 3 हो गया, बाल वाटिका से शुरू होगा, बाल वाटिका से 1, 2, 3 पूरा करके 1 से 12 और 12 से आगे अमूमन 4-5 साल की अगर उच्च शिक्षा की एक औसत एवरेज हम माने 3 से 23, आबादी की 3 से 23 वाले आयु वर्ग में हमारी देश में लगभग 52,520,000 नौजवान है। मित्रों, हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की कल्पना कर रहे हैं, हम भारत को एक नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी की लीडरशिप पोजीशन में देखना चाहते हैं। ये तब होगा जब ये 52 करोड़ लोग, 520 मिलियन लोग कुछ ना कुछ ज्ञान प्रवाह से जुड़ेंगे।